इज इंस्पायरेशन एक्चुअली, है ना, कि किसी ने एक आके क्या कुछ किया, स्वराज नाम का जो इतना बड़ा क्रिएट किया गया उसके पीछे बहुत सारे इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, और तब जाके इतना कुछ आया। वैसे है ना कि पीपल आर फॉलोइंग देम, लोग फॉलो करते हैं, लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी वो लाइक उन्होंने जो कुछ क्रिएट किया ये वो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बस मुझे इतना ही कहना है, आई एम ऑलवेज रिलेटिंग टू थिंग्स, एंड एक्चुअली मैं कहूँगी कि लोगों को रिलेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्टली नहीं दिखता समझता नहीं तो रिलेट करना ज़रूरी है ना। और रिलेट करने का मतलब ही क्या है कि लाइक अगर मैंने इनको रिलेट किया, आज हम रायगढ़ में हैं, पूरा ट्रैक करके यहाँ पे आए, ट्रैकिंग करके पूरे यहाँ पे आए, और ट्रैकिंग करके बहुत सारे थक गए, बहुत जो भी हमारे साथ के लोग हैं बहुत सारे ने गिव अप करने की सोची वगैरह, लेकिन फिर भी हम लोगों को साथ लेके यहाँ तक आए, एंड यस वी फील वेरी मच लाइक सैटिस्फाइड एक्चुअली कि लाइक यस वी हैव डन दैट। कितना भी कुछ हो वो ट्रैक इजी था, डिफिकल्ट था, डजेंट मैटर एक्चुअली, लेकिन आज यहाँ पे आके जो भी था, डिफिकल्टी थी, जो भी हमने गिव अप किया, जो भी हमने मतलब जिस दौर से गए वो सारे हम भूल गए। वही तो है ना, रिलेट करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि नेचर और हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाता है, एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू लाइक थिंक दैट कि जो भी हमें सिखाया जाता है ना उसको सीखने की ज़रूरत है, और वो सीखना ये चाहिए कि अगर लाइक आई एम ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम द छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी स्ट्रैटेजी हो, आई एम ऑलवेज लाइक लर्निंग फ्रॉम देम, उनके मैनेजमेंट के लेसन्स हो, क्योंकि ही इज़ द वन ऑफ द मैनेजमेंट गुरु एक्चुअली, और उनके बुक्स आए हैं मैनेजमेंट के ऊपर, उन्होंने जो भी राज्य चलाया, इट इज़ सेम लाइक अ बिजनेस यू कैन से, लाइक वो बहुत बड़े थे एक्चुअली आई नो, बट हम उसमें से अगर कुछ छोटा सा लेके, छोटा सा तो चालू कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली वी कैन। सो लर्न द थिंग्स फ्रॉम द पीपल, लर्न द थिंग्स फ्रॉम द हिस्ट्री एक्चुअली, लर्न द थिंग्स फ्रॉम द नेचर एक्चुअली, एंड यस आई नो यू कैन स्टार्ट द एक्सपोर्ट जर्नी, क्योंकि जिसको भी लगता है ना कि एक्सपोर्ट बहुत डिफिकल्ट है, एक्सपोर्ट ऐसा है वैसा है, मैं कहूँगी अरे कुछ भी वैसे डिफिकल्ट नहीं है, शायद उनको भी स्टार्ट करते समय ऐसे लगा नहीं होगा ना कि ये होगा क्या, ये पॉसिबल होगा क्या, कभी एक दिन वो सपना राइक जो भी है सपना था वो स्वराज्य में मतलब ये होता हो सकता है क्या, ऐसे उनको भी लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, जो भी है जहाँ पे थे वहाँ से चालू किया, एंड यस वी हैव नोन अबाउट द हिस्ट्री नाउ ऑल्सो। सेम एक्सपोर्ट के लिए भी वही है, जहाँ पे हो जैसे हो वहाँ से चालू करो, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे साथ आएगी, रास्ता दिखाएगी, सोल्यूशन भी मिलेगा, एंड डेफिनेटली द एक्सपोर्ट जर्नी विल बी स्टार्ट। सो दिस इज व्यू अबाउट द रायगढ़, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दिस, एंड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दिस, जस्ट टेक एक्शन, क्योंकि एक्शन ओनली गिव्स द रिजल्ट, नथिंग एल्स, सो फॉलो इट। मम्मी दिसली मला मम्मी दिसली।